आज हम लोग BAPI 001 का ब्लॉक 3 के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें प्लांट प्रोटेक्शन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में बताया गया है। तो पहला उसमें फर्स्ट यूनिट में है कि कल्चरल एंड मैकेनिकल प्रैक्टिसेस। तो कौन कौन से ऐसे कल्चरल और मैकेनिकल प्रैक्टिसेस हैं जिसका इस्तेमाल कर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने पेस्ट, जो भी पेस्ट एड जो पैथोजेंस हैं उसके पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। तो कल्चरल प्रैक्टिस में सबसे पहला है कि हम क्लीन सीड लें, मतलब सीड ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का कोई वीड या फिर कोई फंगल स्पोर या फिर कोई इन्फेक्टेड ग्रेन्स, किसी प्रकार का वीड का कोई इन्फेस्टेशन या पेस्ट इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए। तो क्लीन सीड लेने से जो है ये वीड की समस्या भी दूर हो जाती है और पेस्ट इंसेक्ट की समस्या भी दूर होती है। तो ये कल्चरल प्रैक्टिस में सबसे फर्स्ट है। सेकेंड है प्री सोइंग इरिगेशन। प्री सोइंग इरिगेशन इज रिकमेंडेड फॉर द फ्लशिंग ऑफ द वीड्स। तो अगर हम इरिगेशन सोइंग से पहले अगर फील्ड में इरिगेशन देते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि जो वीड और वीड के सीड्स हैं वो वाटर के साथ फ्लश आउट हो जाते हैं फील्ड से। तो फ्लश आउट होने से उनका जो है वो पॉपुलेशन जो है कम हो जाता है। आफ्टर फ्लशिंग द फील्ड इज प्लाउड एंड वीड्स आर डिस्ट्रॉयड। तो फ्लशिंग के बाद जो है फील्ड को प्लाउ और प्लाउ कर देते हैं, उसके बाद जो है वीड्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके कारण से जो वीड का जो भी सीड होगा, सीड बैंक होगा, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। टीलेज ऑपरेशन करने के कारण जो है जो भी एग्स और इंसेक्ट के लार्वे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो प्री सोइंग इरिगेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। समर प्लॉइंग अनदर मेथड ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस है फॉर पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, जिसमें हम समर के समय में जो फील्ड की प्लॉइंग करते हैं और खासकर डीप प्लाउ की जाती है, जिससे कि जो कोई भी लोअर डेप्थ पे इंसेक्ट का एग और कोई प्यूपा लार्वा अगर सॉइल में अवेलेबल है तो फिर वो सभी जो है डायरेक्टली सन के एक्सपोजर में आने से या फिर डायरेक्टली बर्ड के एक्सपोजर में आने से उनका जो है वो मारे जाते हैं। तो नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन हम कल भी पढ़े थे। तो उसमें जो है एक ही पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे डिफरेंट क्रॉप्स लगाए जाते हैं और इसके कारण से क्या होता है, तो जो भी डिजीज काउजिंग पैथोजन पेस्ट है या पैथोजेंस है जो भी, तो वो सभी क्या करते हैं, उनका पॉपुलेशन जो है कम हो जाता है क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में हम दूसरा क्रॉप लेते हैं और वो दूसरे क्रॉप के साथ उनका जो है पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्रॉप रोटेशन को लेके जो है हम जो डिजीज और पेस्ट का पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि रोटेटिंग पीजन पी और चिक पी विथ नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक सोरघम इज ए गुड प्रैक्टिस फॉर मैन्योरिंग मैनेजिंग फ्यूसेरियम विल्ट। तो फ्यूसेरियम विल्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है और न्यूमेटोड के प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए पीजन पी या फिर चिक पी के साथ जो है हम रोटेशन करते हैं सोरघम का। तो इससे ये होता है कि अलग क्रॉप मिलने से जो है फ्यूसेरियम विल्ट का जो है और निमेटोड का जो इन्फेस्टेशन है वो कम हो जाता है। क्रॉप रोटेशन रिप्लेसेस ए क्रॉप दैट इज ससेप्टेबल टू ए सीरियस पेस्ट विथ अनदर क्रॉप दैट इज टॉलरेंट। तो क्रॉप रोटेशन में का एक प्रिंसिपल है कि एक क्रॉप अगर हम ले रहे हैं डिजीज ससेप्टेबल, तो दूसरा क्रॉप कोई ऐसा होना चाहिए जो कि उस डिजीज से टॉलरेंट हो। ऐसा करने से जो है जो दूसरा सीजन है वहां पे जो है इंसेक्ट का पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाता है, तो इस कारण से उनका फील्ड में पॉपुलेशन कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल है कि कॉर्न रूट लार्वे जो है कैन बी स्टार्व्ड आउट बाय फॉलोइंग कॉर्न विथ 1 to 2 years ऑफ नॉन होस्ट क्रॉप सच एज सोयाबीन अल्फा अल्फा और ओट। तो जो कॉर्न रूट वर्म लार्वा है इसका जो है होस्ट क्रॉप है तो ये जनरली कॉर्न के साथ ही होता है, तो इसको जो है अगर 1 से 2 साल तक इसको नॉन होस्ट क्रॉप सोयाबीन अल्फा अल्फा या ओट के साथ हम रोटेट करें कॉर्न को, तो इसमें जो है कॉर्न रूट वर्म का जो है प्रॉब्लम जो है कम हो जाता है। ट्रैप क्रॉप जो है अनदर टाइप ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेज है जो कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं फॉर इंसेक्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो इसमें जो ट्रैप क्रॉप है ये
उस पेस्ट के लिए अट्रैक्टिव होते हैं और वो उस ट्रैप की तरफ अट्रैक्ट होकर और वहां जाके वो जो है पकड़े जाते हैं। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके हम जो है वो कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन आइदर बाय प्रिवेंटिंग द पेस्ट फ्रॉम रीचिंग द मेन क्रॉप और बाय रिस्ट्रिक्टिंग देम टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर दे कैन बी इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉयड। तो इसमें हम यह करते हैं कि जो हमारा मेन क्रॉप है उससे पहले हम एक ट्रैप क्रॉप का एक लेयर बनाते हैं और उस ट्रैप क्रॉप का लेयर जो कि उस पेस्ट को काफी अट्रैक्टिव होता है तो वो वहीं तक वो उनका जो है इन्फेस्टेशन होता है और हमारा मेन क्रॉप जो कि हमारा इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहां तक ये ना पहुंचने से फायदा ये होता है कि वो हमारा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हमारे मेन फील्ड में और ट्रैप क्रॉप पे ही वो जो है आके जमा रहते हैं। मस्टर्ड अलोंग विथ कैबेज इज ए ट्रैप क्रॉप फॉर द कंट्रोल ऑफ डायमंड ब्लैक बैक मॉथ एफिड्स एंड द लीफ वेवर। तो अगर हम कैबेज हमारा मेन क्रॉप है तो हम मस्टर्ड को यूज कर सकते हैं एज ट्रैप क्रॉप और इसका यूज करने से ये होता है कि जो डायमंड बैक मॉथ एफिड्स है और लीफ वेवर है इसका पॉपुलेशन जो है कम हो जाता है। सिमिलरली अफ्रीकन मैरीगोल्ड को हम लोग यूज करते हैं एज ट्रैप क्रॉप फॉर कंट्रोलिंग अमेरिकन बॉल वॉर्म। तो अमेरिकन बॉल वॉर्म जो है ये कॉटन में पाया जाता है तो कॉटन अगर हमारा मेन क्रॉप है तो उसके बाहर में हम जो है अफ्रीकन मैरी गोल्ड को लगा सकते हैं एज ट्रैप क्रॉप। मेज प्लांट्स कैन बी ए ट्रैप क्रॉप टू अट्रैक्ट फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई के पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम लोग जो है मेज को एज ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग एक प्रैक्टिस है जिसका भी यूज हम लोग करते हैं एज कल्चरल प्रैक्टिस टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो इंटरक्रॉपिंग इज अ प्रैक्टिस टू ए फ्यू अदर क्रॉप्स प्लांट अलॉन्ग विथ मेन क्रॉप सुटेबल टू द रीजन। तो इसमें मेन क्रॉप के साथ साथ जो है हम लोग रो में दूसरा क्रॉप भी लगाते हैं। तो इसके लगाने से ये फायदा ये होता है कि जो हमारा मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें कि हम एक ही क्रॉप लेते हैं वो जो है ब्रेक हो जाता है। मोनोक्रॉपिंग की जो एक क्रॉप लेने की जो हमारे फील्ड की पोटेंशियल है वो उससे हटके हम जो है एक से ज्यादा क्रॉप लेते हैं और एक से ज्यादा क्रॉप लेने से ये फायदा होता है कि एक से ज्यादा क्रॉप के जो नेचुरल इनिमीज हैं जो कि जो भी इंसेक्ट और पेस्ट है उस पे अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं तो उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि जितने ज्यादा क्रॉप होंगे उतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड नेचुरल इनिमीज होंगे और उनके कारण से जो है फील्ड में जो है इंसेक्ट और जो भी पेस्ट जो भी होंगे उनका जो है पॉपुलेशन शार्पली बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि कैबेज अलॉन्ग विथ कैरेट और टोमेटो हम ले सकते हैं एज इंटरक्रॉप और इसका यूज करने के कारण जो है डायमंड बैक मॉथ का जो है पॉपुलेशन बहुत ही शार्पली डिक्रीज होता है। अनदर प्रैक्टिस इज मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में हम लोग यहाँ भी एक से ज्यादा क्रॉप लेते हैं सेम फील्ड ऑफ लैंड पे सेम टाइम पे लेकिन डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पे एक डिफिनिट रेशियो नहीं होता है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं इंटरक्रॉपिंग में दो क्रॉप के बीच। यहाँ जो है कोई फिक्स रेशियो नहीं है और इसके कारण से यहाँ भी जो है एक से ज्यादा जो है नेचुरल एनिमीज पाए जाएंगे और एक से ज्यादा क्रॉप के नेचुरल एनिमीज जो है डिफरेंट जो भी इंसेक्ट और पेस्ट है उसके पॉपुलेशन पे फीड करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यूज ऑफ टॉलरेंट रेसिस्टेंट वेराइटी। तो कल्चरल प्रैक्टिस में हम एक मेथड ये है कि हम जो है डिजीज रेसिस्टेंट या पेस्ट रेसिस्टेंट जो है टॉलरेंट वेराइटी हम यूज करें जिससे कि हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी तरीके का ज्यादा नुकसान ना हो क्योंकि वो रेसिस्टेंट होगा तो वो उसमें क्षमता होगी कि वो इंसेक्ट से जो है इंसेक्ट उसका ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस तरह के कुछ वेराइटीज हैं पर्टिकुलर क्रॉप्स के उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैनिपुलेशन इन सोइंग डेट्स। तो अगर हम सोइंग डेट्स को थोड़ा सा शिफ्ट करते रहें हर हर क्रॉपिंग साइकिल में हर साल तो उससे ये फायदा होता है कि जो इंसेक्ट होता है उसका जो एक लेइंग पीरियड है उसको हम एस्केप कर सकते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम थोड़ा सा पहले ही सोइंग कर दिया करें एट हर अल्टरनेट ईयर पे जिससे कि वो जो एक लेइंग पीरियड है उसको हम स्किप कर सके फील्ड में। इट फैसिलिटेट्स द अर्ली मैच्योरेशन ऑफ द क्रॉप बिफोर द पेस्ट इंसिडेंस। तो इसको करने से फायदा ये होता है कि
जो हमारा क्रॉप है वो पहले मैच्योर हो जाता है, इंसेक्ट उस पेस्ट के इंसिडेंस से पहले ही हम मैच्योरिटी हो जाती है, हम क्रॉप अपना हार्वेस्ट कर लेते हैं। इरिगेशन या फ्लडिंग कर कर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें हम जो है इसका यूज हम लोग करते हैं टर्माइट के कंट्रोल के लिए, जहां फील्ड को जो है हम लोग फ्लडिंग कर देते हैं और इसके कारण से जो है वहां पे फील्ड में टर्माइट का पॉपुलेशन काफी कम हो जाता है। कुछ अदर इंसेक्ट भी जैसे कट वर्म्स, पोटैटो ट्यूबर मॉथ्स, रूट ग्रब्स कैन नॉट विथस्टैंड फ्लडिंग एंड गेट किल्ड, तो इनको भी हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। फील्ड को सिंपली हम उसको फ्लडिंग कर देंगे तो ये सभी इंसेक्ट जो है वहां पे मर जाएंगे। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मेनी इंसेक्ट्स फ्रॉम लेइंग एग्स बिकॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट्स। तो वाटर अगर फील्ड में हम भर देंगे तो इसके कारण से क्या होगा, तो फील्ड में जो है उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और वो जो है एग जो है नहीं दे पाएंगे, और एग नहीं देने से फिर इनका पॉपुलेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉलेंटियर प्लांट्स, तो जो हम जो उस पार्टिकुलर पेस्ट का या जो भी डिजीज जो भी इंसेक्ट है वो एक होस्ट स्पेसिफिक होता है, एक पार्टिकुलर क्रॉप पे ही वो डिपेंड होता है अपनी लाइफ साइकिल के लिए, और जब नेक्स्ट सीजन में जब हम कोई दूसरा क्रॉप लेते हैं तब तक वो कोई एक वॉलेंटियर प्लांट पे शिफ्ट हो जाता है, जो वॉलेंटियर प्लांट जो है उसके लिए काफी अट्रैक्टिव होता है और उसको वही सुविधाएं देता है जो उसका होस्ट क्रॉप देता है। तो ये जो वॉलेंटियर प्लांट है ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर इन्फेस्टेशन। अगर हम इंसेक्ट को अपने फील्ड से उसको कंट्रोल करना है तो हमको जो भी वॉलेंटियर प्लांट्स होंगे पार्टिकुलर इंसेक्ट के लिए उसको जो है हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे कि जो नेक्स्ट सीजन में जब हम वो होस्ट क्रॉप नहीं है तो कोई और प्लांट नहीं अवेलेबल होना चाहिए जिसपे वो फीड कर सके और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। तो ये वॉलेंटियर प्लांट का डिस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैकेनिकल प्रैक्टिसेस में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इंसेक्ट को जो है वो मैकेनिकल मेथड्स का यूज करके उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसको इस मेथड में हम लोग फिर जो है इंसेक्ट को डायरेक्टली रिमूव या किल करते हैं, तो ये काफी क्विक होता है, इफेक्टिव मेथड है। तो इस मेथड में एक मेथड है कि सेकिंग द ट्री ब्रांच, तो जहां भी इंसेक्ट का अटैक हो रखा है उस ट्री के पार्टिकुलर ब्रांच को हम जो है उसमें उससे हमको इंसेक्ट हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक टब में हम नीम ऑयल जो है लेकर उसको जो है हम लोग वाटर के साथ मिलाकर उसका एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, और जिस ब्रांच के नीचे हम को जिस ब्रांच से हमको हटाना है एक पार्टिकुलर जो भी इंसेक्ट है उसको, तो हम क्या करेंगे उस ब्रांच के ठीक नीचे ये टब को रख देंगे जिसमें नीम ऑयल होगा, और उस ब्रांच को हम सेक करेंगे, और सेक करने से क्या होगा, जो भी इंसेक्ट होगा या फिर इंसेक्ट के जो भी स्टेजेज होंगे वो सभी जो है फॉल होंगे ऊपर से नीचे की ओर, और सभी वो टब में गिरेंगे जो जहां पे उनका जो है नीम ऑयल और वाटर के प्रेजेंस में वहां पे उनका डेथ हो जाएगा। अनदर मेथड है हैंड पिकिंग एंड किलिंग, तो इसमें हम जो है लार्ज और ब्राइटली कलर्ड जो भी फीडर्स जो भी इंसेक्ट है उसको हम लोग जो है हाथ से या तो हाथ से चुनते हैं और उनको किल करते हैं। तो इसका एग्जांपल है पोटैटो बेटल, बीन बेटल, टोमेटो हॉर्न वर्म। इसके अलावा ट्रैप्स का भी यूज होता है, ट्रैप्स जो है इंसेक्ट ट्रैप जो है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये कई तरह के होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें लाइट ट्रैप, लाइट जलता रहता है अंदर में लाइट्स, तो उसको बोलते हैं लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप जो है कुछ नाइट फ्लाइंग इंसेक्ट जैसे कि मॉथ, मीजेज और कुछ बीटल है उनको अट्रैक्ट करता है, और वो जो है उस ट्रैप में जाकर लाइट के अट्रैक्शन में आकर वो वहां जाके फंस जाते हैं और वहां से फिर उनको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सिमिलरली एक ट्रैप और है एलो या स्टिकी ट्रैप। तो एलो एलो ट्रैप में कुछ एलो कलर का बल्ब या फिर कुछ बल्ब के ऊपर एलो कलर का कुछ थीन फिल्म लगा दिया जाता है जिससे कि एलो कलर उससे इमिट होता है, और उसके उससे अट्रैक्ट होकर व्हाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स, लीफ हॉपर्स ये सभी जो है वहां आकर ट्रैप हो जाते हैं, और फिर वहां से उनको जो है कहीं और जो है ले जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ट्रैप्स में एक और है जो कि काफी पॉपुलर है, फेरेमोन्स या फिर अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस का भी यूज किया जाता है, जिसमें कि
जो भी फेरेमोन्स हैं उससे अट्रैक्ट होकर एक पार्टिकुलर इंसेक्ट जो है आकर वहां ट्रैप हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं तो जापानीज बीटल ट्रैप्स है, जहां पे ये फेरेमोन्स का यूज किया जाता है और जापानीज बीटल्स को वहां पे ट्रैप करते हैं हम लोग। स्पाइक थ्रस्ट मेथड है, तो ये बहुत ही यूजफुल मेथड है फॉर इंसेक्ट बोरिंग इन ट्रीज। जो ट्री को बोर करते हैं ऐसे इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का ये मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो जहां भी ये होल बनाकर ट्रंक में जहां भी ये होल करते हैं और फीड करते हैं ट्री में, उसमें उसी होल में जो है एक लॉन्ग निडिल को इंसर्ट करते हैं या वायर को इंसर्ट करते हैं उस होल में, और उसमें उसको इंसर्ट करके उसको किल कर देते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है मैंगो स्टेम बोरर। तो इस तरीके से हम मैंगो स्टेम बोरर को जो है निडल की सहायता से उसको किल कर सकते हैं। ट्री बैंडिंग है, तो स्टिकी बैंड्स और पॉलीथीन सीट्स आर यूज अराउंड द ट्रंक ऑफ द ट्री टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स एंड रैट्स क्लाइंबिंग टू द ट्री टॉप्स। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं या फिर रैट होते हैं जो कि ट्री पे जो है नीचे से ऊपर की ओर ट्रंक के ऊपर जो है वो चढ़कर जाते हैं और ऊपर जाकर वो डिस्ट्रॉय करते हैं जो भी क्रॉप का जो भी प्रोड्यूस है उसको। तो इस तरीके का जो भी इंसेक्ट है उसको हम लोग दूर करने के लिए जो ट्री है उसके ट्रंक पे स्टिकी बैंड्स लगाते हैं या फिर पॉलिथीन सीट्स को लगाते हैं, जिसके कारण से वहां पे जो है स्लिपरी हो जाता है ट्रंक और जो इंसेक्ट है वो उस पे चढ़ नहीं पाता है। उसका एग्जाम्पल है मिली बग्स। मिली बग्स के कंट्रोल के लिए हम लोग जो है इसको यूज करते हैं, साथ में रैट को भी कंट्रोल हम लोग कोकोनट ट्री में इस मेथड का यूज करके करते हैं। अनदर मेथड इज ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग में हम क्या करते हैं, तो जो भी हमारा फील्ड है जहां हमने क्रॉप लगाया है उसके चारों तरफ हम ट्रेंच डिग कर देते हैं। और ट्रेंच के डिग करने से क्या होता है कि जो भी मार्चिंग इंसेक्ट्स हैं वो उस ट्रंक में गिर जाते हैं और वहां पे उनका डेथ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है आर्मी वर्म, रेड हेयरी कैटरपिलर एंड निम्स ऑफ ग्रास हॉपर्स। तो इन सभी इंसेक्ट या इंसेक्ट के जो भी स्टेज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रेंचिंग। ट्री पेस्ट भी एक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, तो जो हमारा ट्री है उसके ट्रंक को हम लोग उसका जो ट्रंक है उसके ऊपर काव डंग से प्लास्टर कर देते हैं। और काव डंग के प्लास्टर करने से ये होता है कि जो भी क्रॉलिंग इंसेक्ट हैं वो चढ़ नहीं पाते हैं उस स्मूथ सरफेस ऑफ प्लास्टर पे, या तो फिर वहां पे एक खराब स्मेल आता है जिसके कारण से वो वहां उस पेड़ पे चढ़ना नहीं चाहेंगे फिर। तो ये काव डंग का प्लास्टरिंग करने से जो है फायदा होता है, और इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं टर्माइट्स, मिली बग्स और बोरर्स को। अब नेक्स्ट इज एडवांटेज है, एडवांटेजेस ऑफ कल्चरल एंड मैकेनिकल मेथड्स। तो जनरली हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही चीपर है, अफोर्डेबल है, कोई ज्यादा अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा खर्च नहीं करना है, इजी टू एग्जीक्यूट है, आसानी से हम इसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है इसके लिए, इजिली अवेलेबल है, इको फ्रेंडली है। उसके बाद नेचुरल इनमीज का जो है इसके कारण से पॉपुलेशन जो है बढ़ता है फील्ड में, और बिल्डिंग ए हेल्दी सॉइल दैट इंश्योर गुड प्लांटेड। तो अगर हम इसमें किसी भी तरह का हम कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण से जो सॉइल का हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा और उससे जो भी प्रोडक्ट होंगे वो काफी जो है गुड क्वालिटी के होंगे। तो नेक्स्ट यूनिट में हम लोग देखेंगे बोटेनिकल पेस्टिसाइड के बारे में। तो यहाँ पे कुछ ट्रीज या कुछ हर्ब्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में फॉर पेस्ट कंट्रोल। तो फर्स्ट है अजाथोडा वेसिया। इसका ये जो कॉमनली इसको जो है हम लोग वसा, वस्का या फिर अदुलसा भी बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है मेनली आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाने के लिए किया जाता है। ये एंटीफिडेंट होते हैं। एंटीफिडेंट मतलब ये इंसेक्ट को अगर इंसेक्ट इस पे फीड करना पसंद नहीं करता है, तो अगर हम किसी भी अगर हम अपने फील्ड में अगर इसका यूज करेंगे तो वहां जो वो ये एंटीफिडेंट फीचर प्रोवाइड करेगा और वो इंसेक्ट वहां पे इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन नहीं होगा। सिमिलरली इंसेक्टिसाइडल एंड एक्रिसाइडल इफेक्ट भी है, जहां पे इसका इफेक्ट के कारण से जो है जो भी माइट्स और जो भी अदर इंसेक्ट है उनका जो है किलिंग हो जाती है। अनदर इज अजेदरिटा इंडिका, जिसको कि हम लोग इम भी बोलते हैं। नीम का जो है हम लोग इंडिया में इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है,
और ये इसको जो है हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए भी करते हैं। इट हैज इमर्ज एज सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए नीम का ही करते हैं, और नीम का जो लीफ और सीड्स है उससे उसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो है मोर देन 300 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अनदर इज एक्रोसस कोमस। तो ये वचा इसको बोलते हैं, वचा या वच या फिर स्वीट फ्लैग बोलते हैं। इसका भी इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो रिजोम्स होता है उसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होता है। तो पेस्ट कंट्रोल फॉर्मुलेशन जो है इसी ड्राइड एंड पाउडर्ड रिजोम्स को बनाए जाते हैं, और इसका जो है यूज हम लोग करते हैं जनरली स्टोरेज पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। एनोना एस्क्वामोसा, जिसको कि हम लोग कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं या सीताफल भी बोलते हैं, इसका जो लीव्स एंड सीड्स है इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होता है, और इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, सकिंग जो भी पेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए, स्केल इंसेक्ट एंड हॉपर्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टर्मेरिक है अगला, जिसको कि हम लोग कुरकुमा लौंगा भी बोलते हैं, और कुरकुमा लौंगा जो है या जो भी टर्मेरिक है इसको फार्मर जो है यूज करते हैं जनरली टोमेटो विल्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें जो भी टोमेटो का जो भी सीडलिंग है उसको टर्मेरिक पाउडर के घोल में थोड़ी देर उसको जो है डुबा के रखा जाता है रूट को, और जिसके कारण से उसके ऊपर जो है टर्मेरिक का जो एक लेयर जो है वो रूट पे आ जाता है, और उसके कारण से जो भी इंसेक्ट का जो भी इफेक्ट होता है वो विल्ट का इफेक्ट वो कम हो जाता है। टर्मेरिक सॉल्यूशन इज आल्सो इफेक्टिव फॉर कंट्रोल ऑफ कॉटन सेमिलूपर, कॉटन सेमिलूपर, माइट्स, ग्रीन लीफ हॉपर, एफिड्स, इन सभी जो भी इंसेक्ट या फिर इंसेक्ट के जो भी स्टेजेज है उसको कंट्रोल करने में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अनदर इज हींग, जिसको कि हम लोग एसोफोइटिडा भी बोलते हैं। इसका कंट्रोल, इसको यूज करते हैं हम लोग जनरली टर्माइट्स के कंट्रोल के लिए, और जो हेलिकोवर्पा का इफेक्ट होता है जिसको कि हम लोग अमेरिकन बॉलवर्म भी बोलते हैं कॉटन में, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग हींग का यूज करते हैं। ऑनियन, जिसको एलियम सेपा बोलते हैं, तो इसमें भी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होता है, और ऑनियन अलॉन्ग विथ कॉमन साल्ट इज इफेक्टिव फॉर कंट्रोल ऑफ स्टोरेज पेस्ट। तो स्टोरेज पेस्ट को दूर करने के लिए ऑनियन को यूज करते हैं हम लोग कॉमन साल्ट के साथ जो है यूज करते हैं, और इसका जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, और इसी कारण से इसको जो है फॉलियर स्प्रे इसका बनाकर 1 किलोग्राम ऑनियन को क्रश कर 100 लीटर ऑफ वाटर में मिलाकर उसको जो है स्प्रे कर देते हैं, तो उसके स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के कारण जो है इंसेक्ट का जो है इफेक्ट जो है कम हो जाता है। अनदर इज कैप्सिकम एनुअम, जिसको कि हम लोग चिली भी बोलते हैं। तो चिली का जो ड्राई चिली जो है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग इंसेक्ट दैट इन्वेड स्टोरेज। तो स्टोरेज में अगर कोई ग्रेन हम डाल रहे हैं तो उसके साथ अगर हम कुछ ड्राई चिली डाल देंगे तो उससे जो है स्टोरेज इंसेक्ट का जो इन्फेस्टेशन है वो कम हो जाता है। तो स्टोरेज पेस्ट इन मूंगबीन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई प्लेसिंग 4 to 5 ड्राई चिलीज पर किलो ऑफ सीड। तो पर केजी सीड के हिसाब से हम जो है 4 to 5 चिली जो है हम अगर मूंगबीन में रख के स्टोर करें तो फिर हमारा जो मूंगबीन है उसमें किसी भी तरह का स्टोरेज पेस्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। दिस इज नोन टू बी क्वाइट एन इफेक्टिव मेथड। चिलीज कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फॉलियर स्प्रेस इन वेजिटेबल्स एंड कैन इफेक्टिवली मैनेज मोस्ट पेस्ट। तो चिली का यूज करके उसका फॉलियर स्प्रे बनाकर भी इसको यूज किया जाता है वेजिटेबल्स में, और वहाँ इसका जो है यूज करते हैं हम लोग कर हम जो है इंसेक्ट का पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अनदर इज कैलोट्रोपिस गिगेंटिया, जिसको कि हम लोग आक भी बोलते हैं। आक का यूज हम लोग टर्माइट्स और कैटरपिलर जो होता है इंसेक्ट का उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। सिमिलरली रिसिनस कॉमिनिस है, रिसिनस कॉमिनिस जिसको कि हम लोग कास्टर बोलते हैं। तो ये इसको जो है हम लोग कास्टर का 500 ग्राम सेल्ड कास्टर सीड और 750 ग्राम ऑफ अनसेल्ड सीड इसको क्रश करते हैं, और क्रश कर जो है वाटर में उसको हम हीट करते हैं 2 लीटर वाटर में 10 मिनट के लिए हीट करते हैं, और फिर उसमें कुछ सोप ऐड कर देते हैं।
और सोप को ऐड करने के बाद हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर करके उसको जो है 10 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। और इस स्प्रे को अगर हम फील्ड में वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन, तो रिसिनस कॉम्बिनेस का भी अब यूज है। अनदर प्लांट इज टोबैको, तो टोबैको इज क्विक एक्टिंग इंसेक्टिसाइड, इसका यूज करके हम जो है डिफरेंट इंसेक्ट का पॉपुलेशन जो है वो कम कर सकते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ टोबैको लीव्स आर बॉइल्ड इन 10 लीटर्स ऑफ वाटर फॉर 30 मिनट्स, और इस सोल्यूशन को हम लोग जो है स्प्रे करें 20 टाइम्स जो है उसको डायलूट करके उसको हम स्प्रे करें। लेकिन सबसे बड़ा, चूंकि ये कोर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, तो हम एक चीज यहाँ पे प्रिकॉशन बताना जरूरी है कि टोबैको परमिशन, टोबैको को हम लोग यूज नहीं कर सकते इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पे हम टोबैको का इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते फॉर पेस्ट कंट्रोल। अनदर प्लांट इज टैजेट्स स्पीसीज, जिसको कि हम लोग मैरीगोल्ड बोलते हैं, तो ये मैरीगोल्ड जो है इसका यूज करके हम लोग इंसेक्ट पेस्ट और निमेटोड का जो भी इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। और इसके लिए जो है फ्लावर्स को क्रश करते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं और वाटर के साथ मिलाकर हम लोग जो है उसका स्प्रे बनाकर उसको जो अपना क्रॉप है उसके ऊपर जो है स्प्रे करते हैं, जिससे जो है इंसेक्ट का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। अब है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम और क्या क्या कर सकते हैं डिजीज कंट्रोल करने के लिए, तो जैसे कि सॉयल बॉर्न जो पैथोजेंस है, जैसे पिथियम है, फाइटोप्थोरा है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ राइज्ड बेड्स, फील्ड्स और रिजेस। तो अगर हम रिज और फरो बना के उस फार्मिंग करें या फिर राइज्ड बेड पे हम फार्मिंग करें, तो उसके कारण से जो भी सॉयल बॉर्न डिजीज हो, जैसे कि पिथियम, फाइटोप्थोरा, इसका इन्फेस्टेशन कम हो जाता है। फ्लडिंग इज गिवन टू कंट्रोल ऑफ सम सॉयल बॉर्न डिजीज, तो जो भी सॉयल बॉर्न पैथोजेंस है उसको कंट्रोल करने का अनदर तरीका है कि हम फील्ड को फ्लडिंग कर दें। उसके बाद पिथियम के कारण जो डैम्पिंग ऑफ होता है नर्सरी में इन ब्रिंजल एंड टोमेटो, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई अर्थिंग अप। अर्थिंग अप मतलब कि उसके ऊपर जो है सॉइल का एक लेयर चढ़ाया जाता है नर्सरी में, और उसके कारण से जो है पिथियम के कारण जो डैम्पिंग ऑफ है उसको हम कम कर सकते हैं। सीड बॉर्न डिजीज इन व्हीट लाइक व्हीट बंट आर मैनेज्ड बाय ट्रीटिंग विथ साल्ट वाटर, तो अगर हम उस वीट का जो सीड है उसको अगर हम साल्ट वाटर में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो उससे जो वीट से जो वीट में जो डिजीज काज होता है वीट बंट वो कम हो जाता है। एप्रोप्रिएट प्लांटिंग सोइंग टाइम हेल्प्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सम फॉलियर डिजीज। अगर हमारा प्लांटिंग या फिर सोइंग टाइम अप्रोप्रिएट हो, हमारी प्लानिंग ऐसी हो कि एक पार्टिकुलर डेट को हमारी सोइंग हो जाए, तो ऐसा करने से हमें फायदा मिलता है कि कुछ डिजीज जो कि उनकी लीफ पे फीड करता है, तो ऐसे डिजीज को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हम जब तक वो इंसेक्ट ग्रो करेगा फाइनली एडल्ट स्टेज तक आएगा, उससे पहले हम अपना क्रॉप ग्रो करके हार्वेस्ट कर लेंगे। अनदर इज स्टरिलिटी मोजाइक ऑफ पिजन पी इज मैनेज्ड बाय मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑफ ज्वार विथ तूर, इनहिबिटिंग मूवमेंट ऑफ वेक्टर माइट्स। तो अगर हम पीजन पी में स्टरिलिटी मोजाइक को कम करना है डिजीज को, तो वहां पे हमको जो हमारा पीजन पी या जिसको तूर बोलते हैं उसके साथ हम ज्वार को मिक्स्ड क्रॉप की तरह लगा सकते हैं, और उसके यूज करने से क्या होगा, तो वेक्टर जो भी माइट्स हैं उसका मूवमेंट जो है कम हो जाएगा। काव यूरिन को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो काव यूरिन को जो है हम लोग यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग बैक्टीरियल विल्ट इन टोमेटो, पोटैटो, चिली। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी काव यूरिन हमारे जो भी डेयरी फार्म से जो भी कलेक्ट होता है उसको हम जो है 2 वीक तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं, और आफ्टर फर्मेंटेशन जो है यूरिन को डायलूट करते हैं हम लोग वाटर के साथ 10 टाइम्स, और फिर हम अपने जो क्रॉप है उसमें हम उसको स्प्रे करते हैं। तो काव यूरिन का यूज करके हम पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर का भी एप्लीकेशन करके हम सॉयल बॉर्न पैथोजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो है ऑर्गेनिक मैन्योर में को का हम यूज ऐसे करेंगे कि जैसे कि कल हमने बताया था कि ऑर्गेनिक मैन्योर हमारा प्रॉपरली जो है उसका सीएन रेशियो जो है नैरो डाउन होना चाहिए, मतलब लेस देन 20:1 के आसपास होगा। ऐसे ऑर्गेनिक मैन्योर को हम फील्ड में यूज करें। अगर इससे ज्यादा अगर सीएन रेशियो वाला कोई भी ऑर्गेनिक मैन्यूर अगर हम यूज कर रहे हैं फील्ड में जो कि कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं है, तो ऐसा मैन्यूर जो है फील्ड में
जो भी पैथोजेंस हैं उसके लिए फूड मटेरियल की तरह काम करेगा, और वहां पर जो इंसेक्ट और पेस्ट का जो है इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश यही करना है कि लेस देन 20:1 के नीचे का जो भी हमारा मैन्योर्स है उसी का हम यूज करें फील्ड में। एयरबॉर्न डिजीज आर ओवरकम बाय प्लांटिंग ट्रीज अक्रॉस द विंड डायरेक्शन। तो अगर हमारा डिजीज कोई भी जो हवा से उसको फैलता है, तो ऐसे डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज अक्रॉस द विंड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में विंड का डायरेक्शन हो वो उसके चारों तरफ जो है हम वहां पे ट्री को प्लांट कर दें, तो उससे क्या होगा, तो एयर का मूवमेंट जो है स्लो हो जाएगा और एयरबोर्न डिजीज की जो भी इन्फेस्टेशन का रेट होगा वो कम हो जाएगा। एसोफोइटिडा एंड टर्मेरिक का यूज करते हैं हम लोग, तो ये जो है हेल्पफुल है टू कंट्रोल बैक्टीरियल विल्ट इन टोमेटो एंड ब्रिंजल। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स। तो क्या क्या एडवांटेज है, तो दीज आर लेस एक्सपेंसिव बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर लोकली अवेलेबल। तो ये काफी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये सब हमारे लोकल में ही अवेलेबल है, तो लेस एक्सपेंसिव है। दाउ देयर रिक्वायरमेंट इज हायर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड, दे डोंट क्रिएट एनी रेसिस्टेंस इन प्लांट। तो इसको हम कितना भी ऐड करें फील्ड में, इससे कोई भी रेसिस्टेंस जो है हमारे जो जो भी हमारे हार्मफुल इंसेक्ट हैं उस पर हमारा इसका जो है रेसिस्टेंस डेवलप नहीं होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, सीड वायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ कंज्यूमेबल्स। तो किसी भी तरीके से ये प्लांट ग्रोथ, सीड वायबिलिटी और जो भी क्वालिटी है उसको उसको जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ये कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता है। नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन बेनिफिशियल माइक्रोब्स, तो जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं हमारे उसको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करता है। इको फ्रेंडली मेथड है ये, इसका इस्तेमाल करके हम लोग इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट और पेस्ट की पॉपुलेशन को। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं बोटेनिकल पेस्टिसाइड के यूज करने के, जैसे कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल इन प्रिपरेशन। तो जो भी हम स्प्रे बनाते हैं या जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए एक स्पेसिफिक स्किल की जरूरत होती है, तो वो स्किल अगर नहीं है तो फिर ये डिसएडवांटेज है। रिक्वायर इन बल्क, ज्यादा अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक्शन इज कंप्लीटली स्लो एंड पेस्ट, तो धीरे धीरे ये एक्ट करता है, तुरंत किसी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की तरह ये तुरंत एक्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे एक्ट करता है। प्रिपेयरिंग सफिशियंट क्वांटिटी इज ए टास्क, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और फील्ड में इसका एप्लीकेशन रेट ज्यादा होगा, तो जितनी सफिशियंट अमाउंट में क्वालिटी हो क्वांटिटी जरूरत होगी वो बनाना जो है फील्ड में, जो भी हमारा ऑर्गेनिक फार्म है वहाँ पे ये एक डिफिकल्ट टास्क होगा। एप्लीकेशन इसका जो है डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर हम काव यूरिन को यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे जो है उसके फाउल ऑडर या उसका जो है डिफरेंट जो भी उसको डाइल्यूशन, इन सबको करने के लिए जो है थोड़ी सी एप्लीकेशन में हमें डिफिकल्टी हो सकती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे बायोपेस्टिसाइड माइक्रोबियल, मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें पेस्टिसाइडल इफेक्ट हो। तो जो मेन हमारे जो भी बायोपेस्टिसाइड्स हैं वो बेसिकली तीन तरह के हैं। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड में कोई भी एक बैक्टीरिया, फंगी या वायरस या प्रोटोजोआ जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह होगा, और इसका जो है यूज करने से जो है डिफरेंट पेस्ट का जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर फंगी दैट कंट्रोल सर्टेन वीड्स एंड अदर फंगी दैट किल स्पेसिफिक इंसेक्ट। तो फंगी का यूज करने से हम वीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में इंसेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बायोपेस्टिसाइडल नेचर ऑफ द माइक्रोबियल है, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड का। नेक्स्ट इज प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट में प्लांट की जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उस प्लांट में अपने आप जो है जो नेचुरल जो उसमें फीचर आ जाता है पेस्टिसाइडल इफेक्ट आ जाता है। जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, तो बीटी कॉटन है या फिर बीटी ब्रिंजल है, इन सब में बीटी जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जो है हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और इसके कारण जो है हम लोग वहां पे देखते हैं तो बायो पेस्टिसाइडल इफेक्ट उस पार्टिकुलर क्रॉप में इंट्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बीटी जीन इनटू द पार्टिकुलर क्रॉप। लेकिन
ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी भी तरीके का जीएम क्रॉप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम यहाँ बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल का यूज कभी नहीं करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ये बस एक क्लासिफिकेशन बायोपेस्टिसाइड के बारे में बता रहे हैं हम, इसका यूज बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल को हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करना है। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड में ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज होते हैं जो कि जो है नॉन टॉक्सिक होते हैं, और नॉन टॉक्सिक होने के कारण जो है ये कुछ एलोकेमिकल्स की तरह इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें कि कुछ ऐसा केमिकल सेक्रेट होता है जो कि एक पार्टिकुलर जो वीड्स है या जो भी इंसेक्ट है उसी पे एक्ट करेगा और बाकियों पे ये एक्ट नहीं करेगा। तो ये नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म है इसका, और इसका इंसेक्ट सेक्स फेरोमोन्स और एंड वेरियस अदर सेंटेड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स दैट अटैक इंसेक्ट पेस्ट टू ट्रैप, तो इसका इस्तेमाल करके हम जो है फेरेमोन्स का यूज करके या इसका प्लांट का एक्सट्रैक्ट का यूज करके जो है हम लोग डिफरेंट जो भी इंसेक्ट पेस्ट है उसको ट्रैप कर सकते हैं इस मेथड में। बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड के बारे में हम देखेंगे तो ये दो तरीके हो सकते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया या फिर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है ये होते हैं, और ये जो है जो भी इंसेक्ट है उसके हेमोसियोल में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जब उनका उनके बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस्ड होता है या फिर इंजर्ड होते हैं, और उस उम्र में वो ये जो है ये वहाँ पे जो है ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है इंटर कर जाता है उसके बॉडी में होमोसियोल में, और उसके बाद जो है उस इंसेक्ट के अंदर जो है मल्टीप्लाई होते हैं रैपिडली और फिर फाइनली उस इंसेक्ट को जो है किल कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेरेटिया मार्सेंस, ये एक नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो कि काफी इफेक्टिव है टू कंट्रोल मॉथ्स एंड बटरफ्लाई लाइक हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा एंड स्पोडोपेट्रा लिटुरा। तो ये जो हमारा नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है सेरेटिया, इसका यूज करते हैं हम लोग टू कंट्रोलिंग मॉथ्स एंड बटरफ्लाई इन, इसको हम लोग वहां पे कंट्रोल करते हैं। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है बैसिलस पेनी बैसिलस जो कि जनरली एरोबिक होते हैं, और दूसरा है कॉलोस्ट्रिडियम जो कि एनएरोबिक होता है। ये दोनों बैसिलस एंड कॉलोस्ट्रिडियम और पेनी बैसिलस ये सभी किसी न किसी प्रकार का एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और उस टॉक्सिन के इफेक्ट के कारण जो है एक पार्टिकुलर जो इंसेक्ट है उसका किलिंग हो जाता है। जिसका एग्जाम्पल है बैसिलस थोरिजेंसिस, ये बैसिलस थोरिजेंसिस जो है यही बीटी जीन के कारण यही जो है टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करेंगे और वो जो है इंसेक्ट को किल करेगा। तो अगर हमारे किसी क्रॉप में बीटी बैसिलस थोरी अगर हम चूंकि हम कोई ऐसा क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो जिसमें बीटी जीन इंट्रोड्यूस हो, मतलब किसी भी तरह की जीएम क्रॉप को हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैसिलस थुरिंजेंसिस को हम यूज कर सकते हैं एज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हम उसको फील्ड में यूज कर सकते हैं, और वहां पे हम इसको जो है इंसेक्टिसाइडल जो इफेक्ट जो है हम अपने फार्म में पा सकते हैं। द अदर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया विच आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड आर पेनिबैसिलस पोपेली फॉर कंट्रोल ऑफ जैपनीज बेटल्स एंड बैसिलस स्फेरिकस फॉर मॉस्क्यूटो कंट्रोल, इन सब का यूज करके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फंगल बायोपेस्टिसाइड जो है मोस्ट कॉमनली जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ब्यूवेरिया मेटारेजियम एंड वर्टिसिलम स्पीसीज से, जिसमें से ब्यूवेरिया बेबियाना ये जो है अटैक करता है बहुत इमैच्योर एंड एडल्ट इंसेक्ट पे लाइक जैसे कि व्हाइट फ्लाई एफिड्स ग्रास होपर्स टर्माइट्स वेविल्स, इन सब के मैच्योर एंड एडल्ट जो भी स्टेज हैं उस पे ये अटैक करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। मेटारिजियम ये जो है अटैक करता है व्हाइट ग्रब्स बेटल्स कैटरपिलर्स सेमी लूपर्स कटवर्म्स एफिड्स मिलीबग्स, इन सबको ये डिस्ट्रॉय करता है। सिमिलरली वर्टिसिलम जो है ये फंगस है जो कि इफेक्टिव है टू कंट्रोलिंग द इंसेक्ट जो कि सक करते हैं प्लांट सैप को, मतलब सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट का जो भी है
उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। इसका एग्जांपल है स्केल इंसेक्ट, एफी थ्रिप्स, जैसीड्स, तो ये इन सब पे अटैक करके उनका जो है पॉपुलेशन जो है कम करता है। अब एक माइक्रो हर्बिसाइड है, माइक्रो हर्बिसाइड जो है ये कुछ हर्बिसाइड्स हैं जो कि हम लोग डिराइव करते हैं फंगस से, और इसका यूज क्या करते हैं टू किल द टारगेटेड वीड, जो भी टारगेटेड वीड है उसकी किलिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दो अप्रोच हैं। तो फर्स्ट अप्रोच है कि माइक्रो हर्बिसाइड अफेक्ट द वीड प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द फील्ड विदाउट एनी चांस ऑफ साइक्लिक परपेचुएशन। इसमें हम हर्बिसाइड, माइक्रो हर्बिसाइड को कुछ तरीके से वीड के कंट्रोल करते हैं कि दोबारा से उस फील्ड में पार्टिकुलर वीड जो है नहीं आ पाता है, और हेंस न्यू फ्लस ऑफ वीड रिक्वायर फॉर फ्रेश एप्लीकेशन। तो जो नया वीड आएगा फिर उसके लिए जो है हमको फिर से माइक्रो हर्बिसाइड हमें अप्लाई करना होगा, मतलब एक सिंगल टाइम एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हमको एक माइक्रो हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करने से उस सीजन में दोबारा वो वीड नहीं आएगा, लेकिन फिर नेक्स्ट सीजन में जब आएगा तो फिर हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा। माइक्रो हर्बिसाइड कैन बी यूज फॉर सेलेक्टिव कंट्रोल ऑफ वीड्स इन क्रॉप जस्ट लाइक एनी अदर सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो हर क्रॉप के लिए अलग अलग जो है जो भी सेलेक्टिव वीड्स हैं उस, जैसे कि खरीफ के वीड्स रबी में नहीं आते, रबी के वीड्स खरीफ में नहीं आते, तो जो माइक्रो हर्बिसाइड खरीफ वाले सीजन के क्रॉप में हमको इस्तेमाल करना है, जो खरीफ सीजन का जो वीड्स है, तो उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर वीड्स के ही सेलेक्टिवली जो भी हमारा माइक्रो हर्बिसाइड होगा उसी को यूज करेंगे। तो ये यहाँ पर सेलेक्टिविटी काम करती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो हर्बिसाइड जो कि मार्केट में सोल्ड हैं इन द नेम ऑफ डिवाइन। इसमें हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं फाइटोफ्थोरा पल्मिवोरा को, और टारगेट वीड है हमारा स्ट्रेंजर वाइन, और इसको यूएसए में यूज किया जाता है। सिमिलरली कोलेजो है, इसको भी यूएसए में यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारा टारगेट वीड जो है नॉर्थर्न ज्वाइंट वेंच है, और यहाँ पे हम कोलिक्टोट्राइकम ग्लेडोस्पोरिडियस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो इस तरीके से ये सभी वेल्गो लियोबा कैसेट, ये सभी बाइपोलिडिस, इन सभी को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कंट्रोलिंग हर्ब्स, जो भी हमारे वीड्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रो हर्बिसाइड। ये जनरली इंडिया में मोस्ट पॉपुलर नहीं है, ये हम देख सकते हैं इस टेबल में कि ज़्यादातर यूएसए, चाइना और कनाडा में इसको यूज किया जाता है, इंडिया में इसका जो है जनरली इसका जो है हम लोग नहीं देखते हैं इसका एप्लीकेशन। वायरल बायोपेस्टिसाइड है, कुछ इसमें कुछ वायरस होते हैं जिनमें बायोपेस्टिसाइड का फीचर होता है। तो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, जिसको कि हम लोग एनपीवी वायरस बोलते हैं, तो ये वायरस जो है इन्फेक्ट करते हैं मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट को, और जब ये व्हेन द लार्वा ऑफ द इंसेक्ट इंजेस्ट दीज वायरस द लार्वल बॉडी गेट डार्केंड एंड टिश्यू डिसइंटीग्रेट एंड इट फाइनली डाइज। तो होता यह है कि वायरस क्या करता है, तो ये इंसेक्ट का लार्वा है, जब वो लार्वा इस वायरस को फीड कर लेता है तो लार्वल बॉडी में जब ये वायरस चला जाता है तो ये लार्वा डार्क कलर का हो जाता है और उसका टिश्यू जो है डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है और फाइनली इसका डेथ हो जाता है। कॉमनली जो एनपीवी यूज होता है ऑफ हेलिकोवर्पा एंड स्पोडोपेट्रा का यूज करते हैं हम लोग। इसको इम्पोर्टेंट बायोपेस्टिसाइड के बारे में हम देखें तो कौन सा बैक्टीरिया, फंगी या वायरस है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं एज बायोपेस्टिसाइड, तो उसका एक यहाँ पे समरी है। तो बैसिलस बैक्टीरिया में बैसिलस थुरियंसिस, बैसिलस स्फेरिकस, बैसिलस सब्टिलिस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इन सभी को हम यूज करते हैं एज बायोपेस्टिसाइड डिफरेंट क्रॉप्स में। सिमिलरली फंगी में हम लोग ट्राइकोडर्मा के डिफरेंट स्पीसीज को यूज करते हैं, ब्यूवेरिया, वर्टिसिलम, मेटारिजियम, पेसिलियोमाइसिस, न्यूमेरिया, ये सभी को हम लोग यूज करते हैं। तो इसके अलावा वायरस जो भी हमने बताया एनपीवी, इसको हम लोग कॉटन में यूज करते हैं। तो ये सभी जो है ग्रुप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड जो कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या क्या है बायोपेस्टिसाइड यूज करने के, तो इन्वायरमेंटली सेफ है, किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं कॉज करते हैं, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जो है उनको जो है द बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म आर नॉट अफेक्टेड लाइक अनलाइक सिंथेटिक एंड केमिकल पेस्टिसाइड। तो जो भी हमारे सॉइल में जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
उस पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है जैसे केमिकल पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करता है। दबाव पेस्टिसाइड्स आर चीपर, ये बहुत ही चीपर होते हैं इन कंपेरिजन टू केमिकल पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड डोंट रिक्वायर रिपीटेड एप्लीकेशन, इसको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट माइक्रो हर्बिसाइड जहाँ पे आपको नेक्स्ट सीजन में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन बायो पेस्टिसाइड में बार बार रिपीटेड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दे हेल्प इन इंड्यूसिंग रेसिस्टेंस टू क्रॉप, तो ये जो है क्रॉप में डिजीज रेसिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। दे आर सेफ टू द फार्मर ऑफ, जो भी फार्मर इसको हैंडल करते हैं वो इजीली हैंडल कर सकते हैं, और ये जो अप्रोच है बहुत ही बायोरेशनल है, किसी भी तरह का कोई भी ज़्यादातर इसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। सिमिलरली डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, अवेयरनेस किसानों में कम है, स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है इसको एप्लीकेशन में, इसको बनाने में डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेशन, वही बनाने में भी डिफिकल्टी है, और लैक ऑफ कमर्शियल अवेयरनेस, कोई भी कमर्शियल अवेयरनेस नहीं है, जिससे कि कोई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स नहीं है इसके लिए। होस्ट स्पेसिफिक होता है, ये पार्टिकुलर होस्ट पे ही एक्ट करेगा, तो ये थोड़ा सा एक लिमिटेड रेंज देता है। कल्चर एंड क्वालिटी रिक्वायर्स स्पेशल स्किल, स्किल की ज़रूरत है यहाँ, और स्पेसिफिक टाइम फॉर एप्लीकेशन, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे ही हमको इसको अप्लाई करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अनदर हमारा जो यूनिट है यूनिट 4, उसमें हम बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में देखेंगे। तो बायो कंट्रोल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एज टू रिडक्शन द पेस्ट पॉपुलेशन बाई नेचुरल इनिमीज, तो जो भी फील्ड में जो भी नेचुरल इनिमीज होते हैं उनका यूज कर हम फील्ड से पेस्ट के पॉपुलेशन को जो कम करते हैं, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। और इस बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो नेचुरल इनिमीज हम लोग यूज करते हैं, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, जनरली प्रीडेटर्स होते हैं, पारासिटॉइड्स होते हैं, या फिर किसी कोई पैथोजेंस होते हैं, और ये जो है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो भी पेस्ट या जो भी डिजीज है उसको ये ग्रो होने नहीं देते हैं, उसकी जो भी उसको या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उस पर फीड करते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइप का नेचुरल एनिमी है वो है प्रेडेटर, जैसे कि लेडी बर्ड, बीटल या फिर लेस विंग्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी फ्री लिविंग जो भी इंसेक्ट हैं, जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड के इंसेक्ट हैं उस पर ये फीड करता है और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इंसेक्ट पे फीड करने के कारण क्या होता है, एक जो भी हार्मफुल इंसेक्ट है उसका पॉपुलेशन जो है फील्ड में कम हो जाता है। तो ये नेचुरल इनिमीज का, ये प्रेडेटर ये जो है वो पर्टिकुलर जो हार्मफुल इंसेक्ट है उसको उसके ऊपर प्रेडेशन करके उसकी संख्या को कम कर देता है। सिमिलरली पारासिटॉइड है, तो पारासिटॉइड भी ये क्या करते हैं, हुज इमेच्योर स्टेज डेवलप्स ऑन और विद इन ए सिंगल इंसेक्ट होस्ट, अल्टीमेटली किलिंग द होस्ट। तो ये पैरासिटॉइड जो है या तो इसका लार्वा या प्यूपा जो है डेवलप होगा किसी होस्ट के अंदर, और वहाँ पे वो कंप्लीटली वो डेवलप होकर उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को जो है किल कर देता है। मेनी स्पीसीज ऑफ वास्प एंड सम फ्लाइज आर पैरासिटॉइड, तो कुछ स्पीसीज वास्प के और फ्लाइज के जो है हम लोग पैरासिटॉइड की तरह यूज करते हैं। बायो कंट्रोल प्रोसीजर है कि तीन तरह के प्रोसीजर हैं जनरली हम लोग यूज करते हैं, या तो इंट्रोडक्शन जिसको इनोकुलेशन भी बोलते हैं, मास रियरिंग एंड रिलीज या ऑगमेंटेशन भी बोल सकते हैं, या फिर थर्ड है कंजर्वेशन एंड इंकरेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन या इनोकुलेशन में हम होता ये है कि किसी एक नए स्पीसीज ऑफ पैरासिटॉइड या प्रेडेटर या फिर डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम बाहर के एरिया से लेके किसी अपने नए एरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ ये प्रीवियसली नहीं पाए जाते हो, और आफ्टर दे आर एस्टेब्लिशमेंट इन देयर पर्टिकुलर रीजन दे आर अलाउड टू स्प्रेड एंड मेंटेन देम सेल्फ। और जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको थोड़ा समय देते हैं जिससे कि उनका मल्टीप्लीकेशन हो सके, स्प्रेड हो सके, उनका पॉपुलेशन बढ़ सके, और फिर उसको मेंटेन करते हैं। तो इसका यूज करके फर्स्ट टाइम 1888 में लेडी बर्ड विटल को जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वेन द लेडी बर्ड विटल एंड रोडोलिया कार्डिनुलिस वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम इट्स नेटिव ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से लेडी बर्ड विटल रोडोलिया कार्डिनुलिस को दोनों को इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, इसको जो है ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस किया गया था कैलिफोर्निया के ऑरेंज फार्म में। तो
जहां ये नहीं पाए जाते थे वहां इसका यूज किया गया, और टू कंट्रोलिंग कॉटनी कुशन स्केल, जो कॉटनी कुशन स्केल का जो इचीरिया पेटरसोनी जो काउजिंग एजेंट था उसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए इसको यूज किया गया था। इंडिया में फर्स्ट टाइम बायो कंट्रोल का इंसिडेंस हम लोग देखे थे, देखा गया था। टू कंट्रोलिंग द बेटल, जो बेटल का इसमें इंट्रोडक्शन किया गया था, जो भी डैक्टिलोपियस इंडिकस का इंट्रोडक्शन हुआ था। टू कंट्रोलिंग प्रिकी पियर ओपुंसिया स्पीसीज को जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग साउथ इंडिया में यूज किए थे 1836 एंड 1865 में। सेकेंड इज मास रियरिंग और रिलीज या ऑगमेंटेशन। तो इसमें हम जो भी हमारे फील्ड में जो भी पारासिटॉइड या प्रेडेटर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका ही पॉपुलेशन हम बढ़ने देते हैं, उसकी जो है उसका जो है मेंटेनेंस हम करते हैं, जिससे कि उनका पॉपुलेशन फील्ड में बढ़ता रहे। और या फिर या तो उसको हम फील्ड में डेवलप कर सकते हैं या फिर हम कहीं और उसका पॉपुलेशन को जो है डेवलप कर सकते हैं, और फिर फील्ड में उसको छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जो है ये जो भी नेचुरल एनिमीज हैं, ये जो भी इंसेक्ट उस फील्ड का होगा उस पर फीड करेंगे, उसको किल करेंगे और इंसेक्ट पॉपुलेशन को कम कर देंगे। तो लेडी बर्ड विटल लेस विंग्स और पारासिटॉइड सच एज ट्राइकोग्रामा, इसको इसी मेथड में हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग पहले बाहर में खुद से रेयरिंग करते हैं, और फिर जब हमको जरूरत पड़ती है तो फिर हम अपने फील्ड में इसको अप्लाई करते हैं। तो इससे हमको जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है इंसेक्ट का। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन एंड इंकरेजमेंट। अब जो भी हमारा नेचुरल इनमीज है उसको अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो वो उनका पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, जैसे इंसेक्ट का पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है। तो इसको हमको कंजर्व करना है, जिस इनको इनफ अमाउंट में फूड मटेरियल मिलते रहना चाहिए। इसके लिए जो भी क्रॉप्स हो या जो भी इनका फूड मटेरियल हो वो सॉइल में या फिर फील्ड में होते रहना, ग्रो होते रहना चाहिए जिसपे वो फीड कर सके। तो ये और कंजर्वेशन इज, अगर हम एक सही तरीके से कंजर्व करें तो फिर हमको ना तो बाहर से कहीं से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कोई नेचुरल एनिमी, और ना ही हमें कोई रेयरिंग की जरूरत होगी। तो ये सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट तीन तरीके के होते हैं, प्रीडेटर, पैरासिटॉइड, पैथोजेंस। प्रीडेटर जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करते हैं और उस पे जो है फीड करते हैं। एक तरह से ये प्रिडेशन करते हैं, फीड करते हैं, और इसके कारण से वो जो पार्टिकुलर इंसेक्ट है ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेडेटर्स है कि कैप्चर एंड फीड मोर देन वन प्रे फॉर देयर सर्वाइवल। तो एक से ज्यादा इंसेक्ट पे वो फीड कर सकते हैं। रिलेटिवली लार्ज साइज कंपेयर्ड टू प्रे, तो जो भी इंसेक्ट होगा उससे इनका साइज ज्यादा बड़ा होगा। ये प्लेसीडियस होंगे ऑन लार्वे एंड एडल्ट्स ऑफ द पेस्ट पे, तो किसी भी स्टेज पे ये फीड कर सकता है। ये लार्वे से लेके प्यूपा और एडल्ट तक ये किसी भी स्टेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस पर फीड कर सकता है। मोर एक्टिव देन प्रे, ये किसी भी इंसेक्ट की तुलना में ज्यादा एक्टिव होगा। प्रेडेटर्स, ये कुछ कॉमन प्रेडेटर्स हैं जो कि हम लोग डिफरेंट इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, जैसे लेडी बर्ड विटल है तो एफिड्स स्केल इंसेक्ट, मिली बग्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ग्राउंड बेटल को यूज किया जाता है जो डिफरेंट सॉइल सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट है उनको किल करने के लिए, रोव बेटल्स को भी सेम सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट को कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। तो ये सभी डिफरेंट प्रेडेटर्स हैं जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पारासिटॉइड। पारासिटॉइड जो है ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, जो कि ये एक पार्टिकुलर जो लार्वा होता है इंसेक्ट का उसके ऊपर ये इंटरनली और एक्सटर्नली जो है ग्रो करता है, और उसके बाद वो उस इंसेक्ट को किल कर देता है। इसका एग्जाम्पल है एक पारासिटॉइड। एक पारासिटॉइड में हम जैसे हम लोग ट्राइकोग्रामा स्पीसीज या टेलीनोमस स्पीसीज या टेट्रा स्टिकस स्पीसीज इसको जो है यूज करते हैं, और इसको एक पैरासिटॉइड की तरह यूज करते हैं, और ये क्या करते हैं उस इंसेक्ट के एग को डैमेज कर देते हैं। उसके ऊपर पहले ग्रो करेंगे फिर उसको डैमेज करेंगे और प्रिवेंट कर देंगे उस इंसेक्ट, जो इंसेक्ट है उसके एग की हैचिंग को जो है उसको स्टॉप कर देंगे, और इसके कारण से उनका जो है नेक्स्ट स्टेप जो है लार्वा में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अनदर पैरासिटॉइड इज लार्वल पैरासिटॉइड। लार्वल पैरासिटॉइड जो होता है लाइक चिलोमस ब्लैक बूमी,
इज वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ कॉटन बॉलोवर। तो ये लार्वल पैरासिटॉइड जो है, लार्वा जो होगा उस जो भी कॉटन बॉलवर्म में जो जो भी डिजीज काउजिंग एजेंट है उसके ऊपर ग्रो करेगा और वहां पे उसके जो लार्वल स्टेज है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। लार्वल पैरासाइट्स लाइक ब्रैकॉन स्पीसीज आर वाइडली यूज इन कंट्रोलिंग ब्लैक हेडेड कैटरपिलर इन कोकोनट। तो कोकोनट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रैकॉन स्पीसीज का। मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो इंसेक्ट पैरासिटॉइड का होता है वो है दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर चॉइस ऑफ होस्ट। ये एक होस्ट स्पेसिफिक इसमें भी पाया जाता है। दे आर स्मॉलर देन होस्ट, होस्ट की तुलना में ये छोटे होते हैं तभी ये उनके लार्वे पे ग्रो कर पाते हैं। ओनली द फीमेल सर्चेज फॉर होस्ट, तो केवल फीमेल जो है ये होस्ट की सर्च करता है करती है। डिफरेंट पैरासिटॉइड स्पीसीज कैन अटैक डिफरेंट लाइफ स्टेजेस ऑफ होस्ट। तो जो डिफरेंट पैरासिटॉइड की स्पीसीज हैं वो अलग अलग स्टेज पे एक्ट करती हैं। कोई लार्वा पे करेगा, कोई प्यूपा पे करेगा, कोई एडल्ट पे करेगा, तो सबके अपने अपने स्टेज हैं। एग्स और लार्वे आर यूजुअली लेड इन और नियर होस्ट। तो जो भी एग्स या लार्वा जो भी लेड होगा वो होस्ट के नियर ही वो एग जो है वो लेड होगा। इमेच्योर पैरासिटॉइड रिमेन ऑन और इन द होस्ट एडल्ट और मोबाइल। जो इमेच्योर पैरासिटॉइड है वो होस्ट पे रहता है और जो एडल्ट होता है वो फ्रीली मूविंग होते हैं। इमेच्योर पैरासिटॉइड्स किल होस्ट, तो जो इमेच्योर पैरासिटॉइड्स हैं वो होस्ट को किल करते हैं। ये कुछ कॉमनली यूज पैरासिटॉइड्स हैं जैसे कि ट्राइगोगर्मा है। ट्राइगोगर्मा को हम लोग यूज करते हैं हेलिकोवर्पा में, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो कि अमेरिकन बॉलवर्म है उसको कंट्रोल करने के लिए, ईयरिस स्पीसीज स्पॉटेड बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए, और प्लूटेला जायलोस्टेला डायमंड ब्लैक मोथ इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये एक पैरासिटॉइड है, ये एक को डिस्ट्रॉय करेगा। सिमिलरली जो एग एंड लार्वल पैरासिटॉइड की तरह ही हम लोग यूज करते हैं चिलोमस बैक बर्नी को, उसमें जो है पेस्ट है पोथर्मिया ओपेरिकुला, इसको हम लोग जो है यूज करते हैं एग एंड लार्वल पैरासिटॉइड के लिए। सिमिलरली प्यूपल पैरासिटॉइड और लार्वल पैरासिटॉइड हैं जैसे कि प्लूटेला जायलोस्टेला के लार्वल स्टेज के लिए कोटसिला प्लूटेले ही है, और सिमिलरली प्यूपल पैरासिटॉइड के लिए ब्रैकॉन स्पीसीज है, गोनिजोस है। ये सभी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट पेस्ट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। अब किसी भी बायो एजेंट के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो पहला है कि होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब एक बायो एजेंट जो है होस्ट स्पेसिफिक होगा तो उससे होगा कि उस पार्टिकुलर होस्ट या जो क्रॉप है उसके साथ जो भी इंसेक्ट डेवलप होंगे उससे लड़ने में वो हमारा जो है बायो एजेंट काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट है हार्डनेस, द बायो एजेंट शुड बी एबल टू एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट अपॉन इंट्रोडक्शन, मतलब उसमें हार्डनेस होना चाहिए जिससे कि वो नए एरिया में भी उनको अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है टू कंट्रोल इंसेक्ट पॉपुलेशन तो वो वहाँ पे वो सर्वाइव कर सके और वहाँ पे वो अपना पैरासिटिक इफेक्ट या जो भी प्रेडेशन कर रहे हो या तो वो अपना जो फीचर्स है वो अपना जो काम है वो करते रहे। क्विक एक्शन है, द बायो एजेंट शुड बी एबल टू डिस्ट्रॉय द टारगेट पेस्ट क्विकली, तो जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होनी चाहिए। इजी इन मल्टीप्लीकेशन कंजर्वेशन एंड यूज, तो जल्द से जल्दी उसमें जो है मल्टीप्लाई करने की क्षमता होनी चाहिए, उनका कंजर्वेशन बहुत ही आसान होना चाहिए और उनका यूज भी आसान होना चाहिए। तो ऐसे जो भी बायो एजेंट्स होंगे उसको हम लोग यूज करेंगे फॉर इनऑर्गेनिक फार्मिंग। एडवांटेज हैं कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स के कि पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स कैन बी इजिली प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में हम इसको आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चीपर होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ही फास्ट। ओनली द पेस्ट आर टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड, तो केवल जो टारगेटेड पेस्ट हैं वही डिस्ट्रॉय होते हैं, जो हमारे बेनिफिशियल जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो रेसिडुअल इफेक्ट ऑन प्लांट एंड सॉइल, कोई रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कि एक साइकिल एक क्रॉप में जो हमने यूज किया है वो एक क्रॉप तक ही रहेगा, अगले क्रॉप में हमें उसको जो है उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इन टॉल क्रॉप्स लाइक सुगरकेन एंड ऑर्चर्ड दे कैन बी इजिली रिलीज्ड एंड द डिफिकल्टी इन स्प्रेइंग कैन बी अवॉइडेड,
इसको यूज करना बहुत ही आसान है, जो भी क्रॉप हमारे लेंथ जिसके हाइट ज्यादा है, ऐसे क्रॉप में भी इसका इस्तेमाल आसान है। सेफ टू द फार्मर हुआर हैंडलिंग, तो जो फार्मर इसको यूज कर रहे हैं उसको हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है, ये सभी जो है यूज किए जाते हैं।